अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैर खैरियत? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो मैंने आज बकरों की मिट्टी की है चेंज, तो इसमें डाली है मैंने बिल्कुल नई मिट्टी ताकि यार थोड़ी सफाई फई। और दूसरा दिन है आज, तो हवा बहुत चल रही है कराची में, बकरों को नज़ला ज़ुकाम वगैरह भी हो रहा है, तो इनके लिए मैं जुशांदा भी शाम को बनाऊँगा, तो वो भी पिलाऊँगा इनको। तो अब भी मैंने इनको छोड़ा हुआ बाहर, बड़े बकरे को। और ये लोग ये गली में बैठे हैं मज़े से सुकून से, वहाँ पर मिट्टी वट्टी चेंज की है ताकि उनको बांधूँ। जुगनू वो पीछे और डब्बे के नीचे छुप के बैठा हुआ है, वो तो आ ही नहीं रहा इधर। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मेरा बड़ा बकरा है, बहुत ही प्यारा बकरा है माशाल्लाह, मेरा सबसे फेवरेट बकरा है ये वाला। एक वो बैठा है, वो भी बहुत प्यारा बकरा है। तो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ तो वैसे सब प्यारी है माशाल्लाह, शुक्र है। तो वैसे लेकिन एक चीज़ होती है उसमें जिसमें दिल लगता है, ये बहुत ही छोटा सा था, तकरीबन को ये जब आया था ना 3 महीने का था, तो अभी खैर से ये हमारे पास 4 साल से रह रहे, 4 साल का हो गया हमारे पास। तो जब आया था आप सोचो कि 3 महीने का था, तो उसके बाद माशाल्लाह अभी ये 4 साल का हो गया। खैर से जैसे वो छोटा बच्चा नहीं खड़ा हुआ, वो उस तरफ उतना ही था। तो इसको हम फिर इसको फीडर से दूध बोतल में डाल के देते थे, तो उस टाइम वो दूध वूध पीता था। तो अभी माशाल्लाह बड़ा हो गया, फिर इसके हमने बच्चे लिए। बस यही मतलब कि हमने इसी से पूरी नस्ल बढ़ाई थी। हमारे पास एक ये बकरा था और 2 बकरियां थी, तो उसी से हमने माशाल्लाह पूरी नस्ल बनाई। ये जो घूम रही है ना सब, ये इसके बच्चों के भी बच्चे हैं, इसके अपने नहीं है, इसके बच्चों के बच्चे हैं माशाल्लाह। तो अभी ये माशाल्लाह खैर से बड़े हो जाएंगे, बस नसीब की बात है कि इंशाल्लाह ये कुर्बानी, इस पे कुर्बानी, इसकी कुर्बानी करेंगे। और देखते हैं या ये जाएगा कुर्बानी पे या वो छोटा टेढ़ा। और जैसे ही मैं इधर आता हूँ ना, तो ये फ़ौरन मेरे पास ही भागता है, इसको सुकून नहीं है। और देखो ऊपर बराबर वालों ने रोटियाँ फेंकी इसके लिए, डबल रोटी वगैरह खाना वगैरह, तो ये खा लेते हैं सुकून से। उसके बाद फिर इनके लिए हरी घास रखी हुई है, वाइट छिलका। इनका खाना मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो लोबिया का छिलका सुकून से खिलाते हैं, ये भी खाते हैं थोड़ी काला छिलका। तो तकरीबन हमने इसको 6-7 चीज़ें मिक्स करके देते हैं, तो जाके फिर इनका खाना बनता है। सुबह आते ही रूटीन के साथ इनको खल वाला खाना, और दोपहर में फिर हरी घास खाते हैं, फिर शाम को 4 बजे तूड़ी वाला खाना। बस यही कि 4 टाइम इनको खाना वाना देना होता है। और तोतों को भुट्टे वुट्टे मैंने दे दिए, पानी वानी दे दिया, इन्होंने भुट्टे वुट्टे खा लिए, पानी वानी पी लें। पीने के बाद इसके ट्रे वगैरह साफ़ करने हैं, ट्रे वगैरह साफ़ करके फिर इनको मिलेगा चने लोबिया। चना लोबिया भिगोया हुआ मैंने इनका, बस ये खाएंगे। काकाचू काकाचू, मिट्टू मिट्टू क्या कर रहे हैं? मिट्टू मिट्टू मिट्टू, अलहू अलहू, मिट्टू 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 मिट्टू। ये आ गई लोरी लोरी लोरी। ये निकल जाएगी, इसके पंख पूरे, अगर ये उड़ गई तो फरार हो जाएगी। और ये हमारा ग्रे बहुत ही प्यारा, ये देखो ये डॉगियों की आवाजें निकाल रहा है। हाँ, ये अब डोगियों की आवाज़ें निकाल रहे हैं, बिल्ली की आवाज़ें निकालते हैं, डोगे की आवाज़ निकालते हैं। अगर इसको आप हाथ लगे बोलते हैं आउच पिच्छू। अभी थोड़ा थोड़ा जैसे कैमरे के सामने आना सीख रहे हैं ना, तो अभी थोड़ा थोड़ा बातें बोलते हैं, पहले तो बिल्कुल नहीं बोलता था। ये देखो आप डोगियों की आवाज़ें निकाल रहे हैं, ये भाई माशाल्लाह साहब की बकरों की आवाज़ें निकालते हैं, डोगियों की आवाज़ें निकालते हैं, कलमा पढ़ता है, अच्छा बातें बहुत प्यारी करता है ये। तो इसके बाद ये आ गया हमारा अमेज़ॉन, हेलो एमी अलहू, ये भी माशाल्लाह अच्छा है, बहुत बातें करता है, ये भी प्यारा है। ओहो मकाओ ने तो कान ही पाड़ दिए, ऐसा चीखता है ज़ोर से, हेलो अलहू। खैर मुझे तो नहीं काटते क्योंकि मैंने इनको बचपन से ही पाला है,
लेकिन फिर भी इनका भरोसा नहीं, मुझे तो वैसे नहीं करते, अगर नया बंदा हाथ लगाए तो फिर थोड़ी बहुत वो करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है नया बंदा होता है तो उसके लिए अलग सी बात होती है ना। मकाओ अल्लाहु मकाओ मकाओ जैसे मुझे देखते ना कांपना शुरू हो जाते हैं, उस क्या हो गया, मकाओ मकाओ। ये देखिए मेरे पास आएगा अभी, मकाओ क्या हो गया बेटा, अल्लाहू। अच्छा ये मेरा नाम लेता ना, बहुत ज़ोर ज़ोर से नाम लेता है, जब मैं इसको खाना वाना ना दूँ अगर लेट हो जाए तो भी ज़ोर ज़ोर से चीखेगा, बोलेगा हसनैन हसनैन हसनैन, बेल बजती है, फिर पूछता है कौन क्या हुआ कौन क्या हुआ। अभी जैसे कैमरा खोलता हूँ ना तो फिर खामोश हो जाते, कुछ भी नहीं बोलते। खैर अभी थोड़ा बहुत तो आपके साथ एडजस्ट हो रहे हैं। अब देखो मिट्टू भी माशाल्लाह बोल रहा है, मिट्टू बातें कर रहा है, इसको भी छेड़ू तो ये बोलता है अल्लाहु हेलो हेलो क्या हो गया, ये भी बातें करता है। आओ आओ इसको तो खैर मैं हाथ नहीं लगाता, क्योंकि इसको जब मेरी हाथ लगा उंगली उंगली लगी तो उंगली गई। ये बेल बजती है वैसी आवाज़ निकाली इसने, जब बेल बजती है फिर भी आवाज़ निकालता ना। और तो इसने ना पता है बीच में क्या किया, मेरे मोबाइल की ना रिंगटोन कॉपी कर ली, तो वैसी आवाज़ निकाल रहा था माशाल्लाह, बहुत ही साफ क्लियर आवाज़ निकालता। अभी जब कैमरे के सामने आता ना बहुत रुक जाता है, तो फिर नहीं बोलता, मस्तियाँ करता है लेकिन बोलता नहीं है। सामने माशाल्लाह 8 परिंदे रखे हुए और तकरीबन 14-15 बकरे रखे हुए माशाल्लाह, तो माशाल्लाह इंसानों से ज़्यादा तो खैर हमने माशाल्लाह परिंदे और जानवर रखे हुए। खैर ये अपने नसीब से खा रहे हैं और हम भी इनके नसीब के ज़रिए माशाल्लाह खा रहे हैं, अल्लाह पाक पता नहीं किसके ज़रिए दे रहे हैं। तो आज का व्लॉग करते हैं बंद, तो जो मेरे यूट्यूब पर नए हैं तो उनको सब्सक्राइब कर दें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनको सब्सक्राइब कर दें, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, ओके अल्लाह हाफिज़। लोरी के बाद व्लॉग बंद, अल्लाह हाफिज़।